खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मनगवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रजापति ने चुनावी मुद्दे को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा का संगठन चुनाव लड़ता है, उससे प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी जो निमित्त मात्र होते हैं। भाजपा पार्टी ही एक ऐसा दल है जो 365 दिन और 24 घंटे इलेक्शन मोड में होता है। चुनाव तो एक बीच की प्रक्रिया है जिसे भी संपादित किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में और क्या कुछ कहा। सर्वप्रथम तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा मनगवा 73 से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है चुनाव वो लड़ता है, जो उसके कार्यकर्ता प्रशिक्षित और अनुशासित जो कार्यकर्ता होते हैं वो कमल चुनाव चिन्ह के लिए प्रतिबद्धित रहते हैं। मुझे एक चेहरे के तौर पर उतार दिया गया है और क्षेत्र में एक बहुत ही बढ़िया प्रसन्नता का वातावरण है। आप लोग भी घूमते होंगे, लोगों से मिलते जुलते होंगे, तो वहाँ से भी ये फीडबैक प्राप्त होता होगा कि मेरे प्रति लोगों का एक बेहतर रुझान है। जैसा कि संगठन में चेहरे की जहां बात आपने की, तो चेहरा तो निश्चित तौर पर आपका ही बेहतर समझ में आया, तब पार्टी ने टिकट दिया है। चेहरे तो कई थे, हम चेहरों पर अगर नहीं जाते तो हम ये मानते हैं कि वहां जो कि कांग्रेस पार्टी का भी एक जमाने में गढ़ रहा है मनगवा विधानसभा क्षेत्र, वहां किस तरह से आप अपने आप को आगे निकाल पाएंगे, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी है। नहीं, अब आपने कहा भारत कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा, कांग्रेस पार्टी की एक प्रकार से मक्कारी या यूं कहें कि मतलब फरेब और छलावा तो सामने आया, जिनके नाम का गढ़ और किला बना हुआ था उन्हीं के नाती और पोतों के साथ जिस प्रकार से छल और प्रपंच किया गया वह किसी से छुपा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से नाम लेते हुए मैं बोल रहा हूँ सिद्धार्थ तिवारी जी जो हमारे नेता हैं उनके साथ जो छल किया, इसका परिणाम विंध्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मतलब पुरानी कांग्रेस और ये भाजपा आपके साथ दोनों है फिर? हाँ, अब पुरानी कांग्रेस तो कांग्रेस रह नहीं गई, वो तो पूरी तरीके से भाजपामय हो गई। अब वो भाजपामय जब हो गई तो फिर पार्टी से जो भी उम्मीदवार है उसके साथ में है सारे लोग। आप अपने कंपटीशन में किस दल को मानते हैं? नहीं, मैं पुनः कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, जो भी केंद्र सरकार की और प्रदेश की योजनाएं हैं उन्हें नीचे ज़मीन पर उतारने के लिए प्रतिबद्धित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो 365 दिन और 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, और चुनाव तो ये बीच की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को भी संपादित किया जाएगा। और जहाँ तक आपने सवाल किया चुनौती, तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं के समक्ष किसी भी विधानसभा में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, और खास तौर से मनगवा विधानसभा का तो चित्र अपने आप में अलग है। पूर्व विधायक की नाराजगी कितना असर डालेगी? नहीं, पूर्व विधायक जी की कोई नाराजगी नहीं है, वो हमारे सम्मानीय आदरणीय है, उन्हीं के कहने पर मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था और उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है।